हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि किस तरह जेसन ने ली को भी बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, अब इसके बाद जेसन जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी नज़र गुल्ली पर पड़ जाती है। बस जेसन का गुल्ली की तरफ देखना था कि वो पागलों की तरह गुल्ली के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। जेसन गुल्ली को भी बिल्कुल इसी तरह ही मारना चाहता है जिस तरह इसने दूसरों को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। गुल्ली नहायत ही जल्दी मकान की छत पर चढ़ जाता है, पर जेसन उसे देख लेता है और जेसन भी उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देता है। गुल्ली जैसे ही छत के एंड पर पहुंचता है तो वो घबरा जाता है कि अब वो कहां जाए, जबकि जेसन उसके पीछे आ ही रहा होता है। वो लगातार उसे ढूंढ रहा होता है, जबकि गुल्ली अपनी जान बचाने के लिए एक पुराने पाइप के सहारे लटका हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जेसन की नज़रों से गायब हो जाता है। गुल्ली की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि बाबा बिल्कुल वक्त पे आ जाते हैं और ये जेसन सारा मंदिर ऊपर से देख रहा होता है। जेसन गाड़ी को देखते ही नीचे छलांग मार देता है उन्हें भी कत्ल करने के लिए, पर जेसन को अंदाजा नहीं कि इस गाड़ी में बाबा बैठा हुआ है जिससे अभी इसका मुकाबला होने वाला है। बाबा बगैर वक्त ज़ाया किए जेसन की तरफ दौड़ लगा देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि जेसन भी अपनी पूरी ताकत के साथ बाबा के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगा देता है। बाबा जेसन के ऊपर इतने हेवी अटैक करते हैं जिसकी वजह से जेसन बहुत बुरी तरह से ज़मीन पर गिर पड़ता है, पर जेसन नियायती स्पीड के साथ बाबा के ऊपर मशीनी फेंकता है जिसकी वजह से बाबा के शोल्डर में एक ज़बरदस्त चोट लग जाती है। जेसन पूरी ताकत से बाबा के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से बाबा को शदीद चोट आती है और बाबा अपना होश खो बैठता है। दूसरी तरफ गुल्ली वहीं पाए पे लटका होता है जैसे गुल्ली और शोन देख लेते हैं। अब वो उसे बचाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह उसे नीचे उतारे। जेसन एक बार फिर मशीनी अपने हाथ में ले लेता है बाबा के ऊपर डेडली अटैक करने के लिए, पर उसी वक्त बाबा भी होश में आ जाते हैं और बाबा भी अपना ट्रबो बॉन्ड ऑन कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ शॉन और गुल्ली पता नहीं कहां से पुराने मैटर जमा करके ले आते हैं और गुल्ली से कहते हैं कि अब ऊपर से जब मारो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और गुल्ली अपने हाथ छोड़ देता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब बाबा और जेसन एक बार फिर खूनी लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर बाबा किस तरह जेसन को रोक पाएगा, इसकी शैतानी ताकत को किस तरह ख़त्म कर पाएगा, ये सब हम देखेंगे इस लास्ट एपिसोड में।